नमस्कार दोस्तों, कोटडा टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल आप देख रहे हैं जो पानी, ये जो पानी है वो बेकरिया पंचायत में जो एक सेई बांध के नाम से बांध है वहाँ का है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पानी की मात्रा दिखाने का एक तरह से जो पट्टी है वो भी आपको नज़र आ सकती है। कुछ बकरियाँ भी है जो कि चल रही है, आप देख सकते हैं। बहुत दूर तक पानी भी नज़र आ रहा है, लेकिन पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी कम आपको दिखाई दे सकती है। तो अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि ये कितना फैला हुआ है। और मैं चाहूँगा कि केवल वीडियो को आप ना देखें, आपके और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सही बांध देखने का मौका मिले। आप देख सकते हैं पानी की मात्रा और सही बांध। आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटडा टाइम्स में, और साथ ही साथ में पानी की मात्रा जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिलहाल मैं भी सही बांध देखने के लिए भी आया था, और साथ ही साथ में रिसर्च के तौर पर कि ये सही बांध किस गांव में है, कहां बना हुआ है। तो दोस्तों, ये उदयपुर ज़िले की कोटडा तहसील के बेकरिया पंचायत के बेकरिया गांव जो है वहां पर स्थित है, जिसको आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये जो पूरा पानी जो है, पानी का नज़ारा, इसमें शायद मछलियाँ भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इसकी जानकारी जो है वो मुझे पूरी नहीं है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति मिलते हैं तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी क्या कुछ है। फिलहाल मैं जो सही बांध के ऊपर का जो पाल बना हुआ है, उस पाल के ऊपर चल रहा हूँ। और आप दूर तक देख सकते हैं कि एक जो किनारा है उस किनारे तक मैं जाने वाला हूँ, और पूरा जो नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं थोड़ा स्पीडली चल रहा हूँ, शायद आपको देखने में क्या पता चल रहा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्थर है, और करीबन ये जो दूरी है वो 100 फीट से भी अधिक हो सकती है। पानी जो है वो काफ़ी नीचे उतरा हुआ है, और अंदर की साइड में भी पानी होगा ही, और साथ ही साथ में पानी में कुछ घास भी नज़र आ रही है, जिसको मैं शायद इसीलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ नज़दीक में हूँ। और मैं चाहूँगा कि जैसे ही मैं किनारे पर पहुँचूँ, थोड़ा पानी के पास भी जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ में जो पाल है वहाँ पर इस तरह का रास्ता बना हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा अगर आपको कभी समय मिलता है तो ज़रूर आइए, हालांकि बरसात के समय में यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी बढ़ता है। और आप देख सकते हैं इससे आगे की साइड में नज़ारा जो है वो कुछ इस तरह का है, कुछ खजूर के पेड़ भी आप देख सकते हैं सही बांध के आगे के साइड में, और इस तरफ जो है वो सही बांध है। फिलहाल मैं हूँ उदयपुर ज़िले की कोटडा तहसील के बेकरिया पंचायत के सही बांध के पाल पर घूमते हुए आपको सही बांध का जो पानी है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे सामने की ओर देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, और ये इसकी जो मात्रा है वो हालांकि मैं नहीं गिन सकता हूं, क्योंकि उसका एक अलग ही तरह से, और ये जो फैलाव है किलोमीटर में, शायद मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो 1 से 1.5 किलोमीटर में मैं सामने का जो नज़ारा है वो देख पा रहा हूं। और इसके साथ साथ अगर मैं दूसरी साइड देखूं तो यहां पर भी 1 किलोमीटर जैसा कुछ फैलाव पानी का नज़र आ रहा है। और मेरी अंदाज अनुसार अगर मैं ये पूरा विस्तार आपको बताने की कोशिश करूँ तो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर में ये जो पूरा पानी का भराव है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ वो शायद सही नहीं हो सकता है। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति या फिर यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, मैं उनसे जानकारी ज़रूर लेकर आप तक पहुँचाऊँगा। और आप देख सकते हैं कि लास्ट जो किनारा है वहाँ तक मैं जाने की कोशिश में हूँ, और वहाँ का पूरा नज़ारा इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप जब आए तो आपको ये ना लगे कि विनोद जी ने जब वीडियो दिखाया था तो कम दिखाया था अपने चैनल के ज़रिए। तो दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि
जहाँ जाऊँ और जो चीज़ें सब लोगों के लिए देखने जैसी है तो उसे दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं पानी, और एक किनारे पर कुछ भैंस पानी भी पी रही है। आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, और पानी जो है वो पूरा एकदम साफ नज़र आ रहा है। और मैं भी आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैं पहली बार आया हूँ, और पहली बार आने का कारण भी रिसर्च है, इसके बारे में जानना था ताकि कोटोडा टाइम्स के ज़रिए हमारे बहुत सारे दोस्तों तक ये सही बांध की जानकारी पहुँचे, और इस सही बांध का जो पानी है वो कहाँ तक किन लोगों को मिलता है इसके बारे में भी जैसे ही मुझे पता चलता है आपको ज़रूर बताऊँगा। आप देख सकते हैं मैं जो है वो पाल पर चल रहा हूँ, हालांकि मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए वैसे भी आप सब दोस्त तो मुझे देखते ही रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी और वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप सही बांध का ये जो नज़ारा है उसी का आनंद ले, उसी को देखे। और मैं जिस तरीके से सही बांध को देख रहा हूँ तो यहाँ पर बीच में पत्थर भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, केवल तीन चार जगह पर कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों करीबन 6 मिनट हो चुके हैं मैं शुरुआत से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इससे ये भी पता चलता है कि हमें पूरा सही बांध देखने में कितना समय लग सकता है, और उतना समय अगर हमारे पास है तो हम ज़रूर इस जगह पर आए और इसे देखने की कोशिश करें। दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि इस साल बारिश कम हुई, और शायद यही एक वजह होगी कि यहाँ पर जो पानी है इस बांध में वो कम है। और मैंने ये भी देखा है कि हमारे आसपास के जो भी गांव है शहर है वहाँ पर भी इस बार पानी की काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही है। हेडपम्प का जो पानी है वो भी ख़त्म हो चुका है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, कुओं से पानी लाना पड़ रहा है पीने के लिए भी और उनके अन्य उपयोग के लिए भी। तो पानी इस बार कम होने की वजह तो आपको पता ही है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो घर में पानी है उसे भी बचाना चाहिए, और जितना उपयोग है उतना ही उपयोग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं किनारे तक जो है पहुंचने ही वाला हूं, और फ़िलहाल 7:33 हो चुके हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा लोग भी नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है वो तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जब एंट्री मैंने की थी तो हम लोग बाइक पे आए थे, मेरे साथ मेरा दोस्त शंकर आया था जो कि इधर नज़दीक के क्यारी गांव में ही रहता है, और हम लोगों ने बाइक बाहर छोड़ी और गेट क्योंकि बंद था, लॉक था, शायद सुरक्षा की दृष्टि से उसे बंद रखा गया होगा। और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो आगे एक अलग ही नज़ारा शायद देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुछ नज़र आ रहा है, ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे जाऊँगा आप देख सकते हैं सही बांध का नज़ारा। फिलहाल 8:30 हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। ये है सही बांध का नज़ारा, और इसमें अलग प्रकार के कुछ जो पक्षी है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे की साइड जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह का है, और इस तरह जो है वो सही बांध पूरी तरह ओवर होता है, यानी कि ये कहे कि ख़त्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे पर सही बांध के शायद गेट हो सकते हैं, दरवाजे हो सकते हैं, जब वो भरता है शायद तब खोले जाते हो, या फिर क्या है वो शायद करने वाले पर। तो आप देख सकते हैं कि सामने जो है आगे इस तरह का नज़ारा है, इस तरह पानी है, और आगे जो है वो आप कैमरे में वीडियो में देख सकते हैं। तो फिलहाल आप बने हुए हैं आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में, और मैं पूरा किनारे तक जाऊंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा कि इसकी जो ऊंचाई है या फिर वो कितनी फीट वहाँ पर दर्शाई है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जब ये बढ़ता है तो इसकी मात्रा जो है वो कितनी रहती है। मैं दोस्तों जितना हो सके जल्दी उस किनारे तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ,
ताकि आपको भी अगर कुछ काम हो तो वीडियो को बंद करके शायद जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि आगे जो है वहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि इसकी जो पानी कितनी मात्रा तक यहाँ पर भरता है वो दिखाई दे सकता है। ये जो रास्ता है इस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, हालांकि आप नीचे देख सकते हैं ये जो एक पट्टी बनी हुई है, पाल बने हुए हैं, उस पाल पर से मैं यहाँ गुजर रहा हूँ। और दोस्तों मुझे एक तरह से कुछ मूर्ति भी एक नज़र आ रही है, उस मूर्ति की क्या कहानी है अभी कहानी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि एक तरह यहाँ पर बहुत कुछ घर है, और वो घर जो है वो आप देख सकते हैं वीडियो में, शायद ये काफ़ी पुराने घर है जिनको खंडित किया गया है, और क्या इसकी कहानी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमें किसी से पता करनी होगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आखिर इस सही बांध का क्या इतिहास है और सही बांध भी क्यों कहा जाता है। फिलहाल मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि यहाँ की जो ऊंचाई है पानी की वो कितनी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और लेके जाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो जो रास्ता है वो कुछ इस तरह का है, और मैं भी बहुत डरे डरे जा रहा हूँ क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है, अगर गिर गया तो चोट आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीबन 12.5 लिखा हुआ है। 12.5 का मतलब क्या है वो शायद यहाँ जो सुरक्षा के लिए व्यक्ति है उनसे बातचीत करने पर ही पता चलेगा। और अब यहाँ से हम जो है वापस जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ का जो नज़ारा है वो पूरा किस तरह का है। अब मुझे भी थोड़ी छलांग लगानी पड़ेगी, ये मेरा दोस्त है शंकर जो मेरे साथ आया है। ओहो, और यहाँ पर पानी निकलने की भी ये पूरी एक नहर है, शायद ये जो पानी है वो खेतों में जाने का एक रास्ता हो सकता है या नहर। ये क्या तो दोस्तों ये जो है वो नहर है जो कि लोगों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई है, और आप देख सकते हैं सही बांध किस तरीके से पूरा ये यहाँ पर बना हुआ है। और थोड़ा सा इस तरफ जाऊँगा तो आपको और पूरा क्लियर दिख सकता है। अभी मैं आपको बता दूँ कि जो एक सबसे आगे का हिस्सा उस हिस्से पर हूँ मैं, और पानी जो है वो होते हुए आगे और जो नदियों में और लास्ट किनारे आप देख सकते हैं सही बांध पूरी तरह से इतना बड़ा नज़र आता है, और ये पूरा भरता है तब यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कुछ फसल लगाने की कोशिश की गई है, कुछ लोग मुझे वहां पर भी एक टेकरी पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सही बांध जो है वो किस तरह से पूरा बहुत बड़ा है, और जिस तरीके से मैं कह रहा था कि 1 से 1.5 किलोमीटर, तो 1 से 1.5 किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सही बांध आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटडा टाइम्स में। आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी सही बांध का ये नज़ारा है कम पानी वाला वो भी नज़र आए। और बारिश तो फिलहाल हुई नहीं, लेकिन होने पर क्या होगा शायद हम देखने आएंगे तब हमें पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं मैं ये कह दूँ कि आपको एक किनारे से शुरू किया था मैंने वीडियो और दूसरे किनारे आ गया हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो को समाप्त कर लूँगा। लेकिन थोड़ी देर अगर मैं इस वीडियो के इस नज़ारे को ऐसे रखूँ तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक एक टावर नज़र आ रहा है, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम करूँ, आप देखेंगे किस तरह काफ़ी दूरी पर पानी जो है वो नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग भी। तो आप देख रहे थे
सेई बांध का नज़ारा आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। हम फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ, कुछ नई बातों के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।